Everyone, in our previous class, I taught you about balanced diet. Okay. Now it's writing time. Means make a list of vegetables and fruits you know. यहाँ पर एक टेबल दिया गया है, उसमें दो पार्ट किए हैं. एक में वेजिटेबल्स है और दूसरे में फ्रूट्स है. सो हियर यू हैव टू राइट वेजिटेबल्स नेम्स एंड हियर फ्रूट्स नेम्स दैट यू नो. सो इट इज योर होमवर्क. यू हैव टू राइट वेजिटेबल्स नेम्स एंड फ्रूट्स नेम योर सेल्फ और टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. आस्क एंड राइट. लिस्ट आउट योर डेली फूड एंड फ्रॉम विच सीरियल्स यू आर गेटिंग इट. सीरियल्स मीन्स ग्रेन्स. गुजराती में उसको बोलते हैं अनाज और हिंदी में बोलते हैं धान्य. ओके, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक टेबल दिया गया है जिसमें आपको फूड के नेम्स लिखने हैं और वो फूड कौन से सीरियल्स में से मिलते हैं वो भी बताना है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. चपाती, नेम ऑफ द फूड इज चपाती. वो किस में से बनता है, कौन से सीरियल में से मिलता है, तो वीट. ओके, देन रोटलो. मिलेट, मिलेट मीन्स बाजरी, कॉर्न एंड जोवार. राइस, सीरियल्स भी राइस, उसमें से राइस हम भारत गुजराती में बोलते हैं ना, वो राइस पकाते हैं. दाल, टाइप्स ऑफ दाल्स, पिजियन पीस मीन्स तूर दाल, मूंग दाल. खिचड़ी, खिचड़ी खाते हो ना, वो किस में से बनती है, राइस, पिजियन पीस मीन्स तूर दाल और मूंग दाल. एंड पुडिंग, पुडिंग मीन्स वो किस में से मिलता है, वीट और राइस. ये एक स्वीट डिश है जो खाने के बाद लास्ट में हम जनरली खाते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल खीर और हलवा एटसेट्रा. दिस सिंबल इंडिकेट्स एक्टिविटी, मीन्स इट्स योर एक्टिविटी टाइम दैट यू हैव टू परफॉर्म इन द क्लास जनरली. बट हियर व्हाट विल वी डू, सो हियर मेक अ लिस्ट ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस अवेलेबल इन योर एंड योर फ्रेंड्स होम. अब यहाँ पर फ्रेंड्स के होम पे तो हम नहीं जाएंगे, बराबर, सिर्फ अपने घर में क्या क्या अवेलेबल है उसका लिस्ट हम बनाएंगे. ओके, सो हियर यू हैव टू मेक अ लिस्ट ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस अवेलेबल इन योर होम एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई इट विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स. ओके, नाउ लेट्स सी द लिस्ट ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस. बट बिफोर दैट लेट मी एक्सप्लेन वॉट इज सीरियल्स एंड पल्सेस. सीरियल्स एंड सीरियल प्रोडक्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फाइबर. ओके, पल्सेस, इट इंक्लूड्स बीन्स, लेंटिल्स, पीस एटसेट्रा. ओके, पल्सेस प्रोवाइड सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स इंक्लूडिंग आयरन, पोटेशियम, फॉस्फरस, मैग्नीशियम एंड जिंक. लेट्स सी द नेम्स ऑफ सीरियल्स, काइंड्स ऑफ सीरियल्स. वीट, राइस, कॉर्न, मिलेट, ज्वार एंड बैली. पल्सेस, पिजियन पीस मीन्स तूर दाल, मूंग, चिक पीस मीन्स चना, किडनी बीन्स राजमा, मसूर, मटर पी चोला. ओके, नाउ लेट्स रीड दिस. इट इज ट्रू, मीन्स इट्स अ फैक्ट. फर्स्ट पॉइंट, वॉशिंग वेजिटेबल्स एंड क्लीनिंग ग्रेन्स बिफोर कुकिंग वुड कीप डिजीज अवे. सेकेंड पॉइंट, एनिमल्स एंड बर्ड्स डू नॉट ईट अनलेस दे आर हंग्री. थर्ड पॉइंट, वॉश योर हैंड्स, फीट एंड फेस विथ सोप बिफोर ईटिंग. फोर्थ पॉइंट, इट कीप्स वन हेल्दी. सो यू हैव टू फॉलो दिस टेबल इन योर लाइफ ऑल्सो.
दिस सिंबल इंडिकेट्स डिस्कशन. यू हैव टू डिस्कस इट विथ योर टीचर और योर पेरेंट्स और योर फ्रेंड्स एटसेट्रा. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट पॉइंट, हैव यू सीन फूड बीइंग कुक, मतलब आपने खाना बनते देखा है? यस और नो? यस, आई हैव सीन. यस, आई हैव सीन माई मदर कुकिंग फूड फॉर मी एंड माई फैमिली. सेकेंड पॉइंट, सजेस्ट द डिफरेंट वेज टू कुक फूड. खाना बनाने की रीत थ्री टाइप्स होते हैं, कौन सी वो बतानी है यहाँ पे. ओके, सो लेट्स सी आंसर. द थ्री मेन वेज टू कुक फूड आर रोस्टिंग, बॉइलिंग एंड फ्राइंग. थर्ड पॉइंट, व्हाट वुड हैपन इफ वी ईट रॉ फूड. कच्चा खाना खाएंगे तो क्या होगा? आंसर, रॉ फूड इज वेरी हैवी टू डाइजेस्ट. डाइजेस्ट इजीली नहीं होता है. इफ वी ईट रॉ फूड वी विल सफर फ्रॉम डाइजेशन. डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, पेट दर्द होता है. ओके, वी मे ऑल्सो सफर फ्रॉम स्टमक एक, मतलब पेट दर्द होता है. नेक्स्ट पॉइंट, विच थिंग्स कैन बी ईटन रॉ. कौन सी चीजें हैं जो हम रॉ मतलब कच्चा खा सकते हैं? आंसर, ऑल टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. फ्रूट्स तो हम कच्चे ही खाते हैं ना. एंड वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स में अभी कौन सा कच्चा खा सकते वो देखेंगे. लाइक कैबेज, कैरट, कुकुम्बर, टोमेटो, रेडिश, ओनियन, बीटरूट एटसेट्रा. आप खाते हो एज अ सलाड? ओके, कैन बी ईटन रॉ. ये सारी चीजें हम रॉ खा सकते हैं. लास्ट पॉइंट, विच थिंग्स कैन बी ईटन रोस्टेड. रोस्टेड मतलब सेकना. फॉर एग्जाम्पल, पापड़ हम सेक के खाते हैं, राइट? रोटी. ओके, आंसर, चपाती, रोटलो, भाखरी, पापड़, ग्राउंड नट्स, ग्राम, बीन्स, पीस एटसेट्रा कैन बी ईटन रोस्टेड. दिस सिंबल इंडिकेट्स थिंक एंड राइट. सोचिए और लिखिए. व्हाट यू हैव टू डू हियर? मार्क राइट टिक अगेंस्ट द मेथड ऑफ कुकिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स. फॉलोइंग आइटम्स मीन्स दीज आइटम्स इन फ्रंट ऑफ देम. ओके, यहाँ पे सारी आइटम्स दी गई है, चार दी है, बाकी हम ऐड करेंगे और किस वे में उसको पकाएंगे वो टिक करना है. ओके, लेट्स स्टार्ट. आइटम, टू रोस्ट, टू बॉइल, टू फ्राई. अभी देखेंगे पहले चपाती और रोटलो. चपाती और रोटलो में क्या करेंगे? रोस्टिंग करेंगे, बॉइलिंग और फ्राई. ओके, रोस्टिंग. सो वी विल टेक इट हियर इन द बॉक्स ऑफ रोस्ट. ओके, आई हैव डन हियर, सी रोटलो. देन पूरी और पकोड़ा. पूरी और पकोड़ा तो फ्राई करते हैं, राइट? सो टेक ऑन फ्राई. खिचड़ी और राइस, उसको क्या करते हैं? बॉइलिंग करते हैं. सो बॉइल के बॉक्स में राइट टिक करना है यहाँ पे ऐसे. भाखरी, भाखरी को भी रोस्टिंग करते हैं, रोस्ट. सो यहाँ पे टिक किया. अभी हमको खुद ऐड करनी है आइटम्स. मैंने यहाँ पे ऐड किया है ढोकला. आर यू ईटिंग ढोकला? ओके, सो उसको बॉइल करते हैं. ओके, बॉइलिंग मेथड आती है उसमें. पापड़, पापड़ तो रोस्टिंग भी खाते हैं, सेक के भी खाते हैं और फ्राई करके भी खाते हैं. तो यहाँ पर मैंने दोनों में किया है राइट क्लिक. ओके, देन इडली. डू यू लाइक इडली? ओके, इडली, इडली तो बॉइल करते हैं. सो टिक हियर. समोसा, समोसा वी फ्राई इट. ओके, सो टिक हियर इन दिस बॉक्स, फ्राई. एंड सूप, सूप को भी बॉइल करके उबाल के फिर
मसाले के साथ अच्छे से पका के खाते हैं, राइट? सॉल्ट इज हियर इन बॉइल बॉक्स. दिस सिंबल इंडिकेट्स रीड. रीडिंग टाइम नाउ. लेट्स रीड. फर्स्ट पॉइंट, लेट अस ईट प्योर एंड हाइजेनिक फूड. हाइजेनिक फूड मीन्स आरोग्यप्रद, जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है वो खाना, ऐसा खाना. ओके, सो ईट हाइजेनिक फूड. सेकेंड पॉइंट, लेट अस च्यू द फूड प्रॉपरली. जो खाना खाते हैं उसको अच्छे से चबा के खाना है. ओके. थर्ड पॉइंट, लेट अस ईट ऑन टाइम. टाइम टाइम पे खा लेना है. लेट अस अवॉइड ओवर ईटिंग. ओवर ईटिंग मतलब कि खाना खा लिया है, अभी पेट में भूख नहीं है, फिर भी आप खाते हो ना, वो ओवर ईटिंग बोलते हैं. ओवर ईटिंग से क्या होता है, पेट दर्द होता है. ओके, सो उतना ही खाना है जिसकी जितनी जरूरत है. ओके. लास्ट पॉइंट, वी शुड ड्रिंक इनफ वाटर. बॉडी में पानी की मात्रा अच्छे से मेंटेन करनी है, सो ड्रिंक वाटर रेगुलरली.